गुड मॉर्निंग अल्लाम डेयर स्टूडेंट्स आई होप यू आर ऑल फाइन इज़ आवर सोशल स्टडीज लेक्चर सो ओपन योर सोशल स्टडी बुक ओपन योर पेज नंबर नाइनटीन राइट डेट एंड डे लाइक दिस टें जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी क्लास एंड इज़ फ्राइडे वी विल स्टार्ट टूडे आवर लेसन नंबर थ्री क्लाइमेट क्लाइमेट की हम रीडिंग करेंगे आज और मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ वैदर मीन्स द डे टू डे कंडीशन ऑफ हीट एंड कोल्ड ह्यमडिटी क्लाउडलीनेस ड्राईनेस और रेन इन एनी प्लेस वेदर का मतलब है कि रोज़ की जो बदलती हुई कंडीशन हैं मौसम की जैसे हीट कभी गर्मी हो जाती है कभी सर्दी है कभी ह्यमडिटी हो जाती है क्लाउड्स आ जाते हैं बादल है, आ जाते हैं ड्राइनेस हो जाती है रेन आ जाती है किसी भी जगह पर उसको वैदर कहते हैं ये मैंने इस तरह से एंडलाइन इसलिए किया है ताकि आप लोगों को आसानी से पता चल जाए ये फिल्मी ब्लैक्स में भी यूज़ हो सकते हैं क्लाइमेट मीन्स द वैदर कंडीशन इन अ रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक लंबे अर्से तक कोई भी सभी जब ठहरता था, है कंडीशन हालत ठहरती है किसी भी मौसम की उसको क्लाइमेट कहते हैं जैसे गर्मी बहुत देर तक रहती है ये हमारा क्लाइमेट है पाकिस्तान का या सर्दी जिस जितनी देर के लिए रहती है वो क्लाइमेट है उसका फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर द क्लाइमेट ऑफ नॉर्न पाकिस्तान इज कोल्ड ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के वो कोल्ड होते हैं वेयर एज द क्लाइमेट इज़ इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द पंजाब इज़ ड्राई लेकिन जो पंजाब का मोस्टली मोस्टली हिस्सा है वो ड्राई होता है बट ड्यूरिंग द द मानसून सीजन इट रेन्स अ लॉट लेकिन जब मानसून के सीज़न आता है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी वेरी हॉट एज ऑन द इक्वेटर जो एरियाज इक्वेटर के करीब है वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो सकता है होता है वेरी कोल्ड एज नियर द पोल और जब पोल्स के करीब होता है जो अर्थ के पोल्स हैं उनके करीब होता है तो कोल्ड होता है और टेम्परेट या फिर टेम्परेट रहता है नॉट टू होल्ड और टू कोल्ड ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा सर्द होता है द क्लाइमेट कैन ऑल्सो भी वेरी ड्राई और वेट क्लाइमेट्स बहुत ड्राई और वेट भी हो सकता है विच शोज़ डर ट्रेन फॉर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अब द क्लाइमेट और जो रेनफॉल है बारिश है वो बहुत यानी अहम फीचर है इसका क्लाइमेट का क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल्स लाइफ जो क्लाइमेट है वो लोगों की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर करता है प्लांट्स पे क्रॉप्स पे एंड ऑन द लैंड इन एन एरिया और किसी भी ज़मीन पर एरिया में अब यहाँ पर मैप दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ ये देखें कलर्स दिए हुए हैं इस कलर के जो एरिया हैं ये वाले जो थोड़े लाइट से ग्रीन है हॉट समर माइल्ड विंटर समर ज़्यादा होता है गर्म समर होता है और विंटर माइल्ड होता है और जो दूसरे ये वाले एरियाज़ हैं जिनमें थोड़ा लाइट कलर है वाम समर माइल्ड विंटर इसमें जो है वाम समर होता है माइल्ड विंटर होता है और जो येलो कलर के हैं वाम समर कूल विंटर इधर वाम समर वाम होता है और विंटर कूल cool होता है ये जो ग्रीन कलर के एरियाज़ हैं वाम टू कोल समर कोल्ड टू कोल्ड विंटर यानी गर्म से ठंडे की तरफ समर होता है और ठंडे से बहुत सर्द तरीन विंटर होता है क्लाइमेट मैप ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान का क्लाइमेट मैप इन पाकिस्तान सम एरियाज इन एंड बलोचिस्तान आर हॉट थ्रू आउट द ईयर तमाम जो पूरा साल सींदर बलोचि के कुछ एरिया वहाँ गर्म रहते हैं सम प्लेसेस सच एज इन दोज हाई पिंदा हिमालियाज आर वेरी कोल्ड कुछ इलाके हैं जो हिमालियाज के हैं वो जो बहुत बुलंद है वो बहुत ठंडे होते हैं बहुत कोल्ड होते हैं ट्वेंट पेज नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी पेजेस फैक्टर्स इफेक्टिंग क्लाइमेट फैक्टर्स जो हैं जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को वो हैं रेनफॉल हाइट और एल्टीट्यूड क्लोजनेस टू द सी शेल्टर्ड एरियाज द मानसून ये आ गए इसके अफेक्टेड क्लाइमेट अफेक्टिंग क्लाइमेट फैक्टर्स हैं इसके रेनफॉल सबसे पहले तो हो गया रेनफॉल और हीमिडिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फोर क्लाइमेट एंड प्लान ग्रोथ ये हमने पीछे भी पड़ा है सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड गेट मोर रेन दैन अदर अदरस एज दे लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंडस सम एरियाज आर वेरी ड्राई एज दे रिव वेरी लिटल और नो रेन एट ऑल इधर जो है वो रेनफॉल जो है वो और ह्यूमिडिटी बहुत यानी इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट का जो कि प्लांट ग्रोथ से रिलेट है इस पर इनार करता है कुछ पार्ट्स जो ऐसे हैं जहाँ पर रेन बहुत ज़्यादा होती है और कुछ पार्ट्स में रेन बिल्कुल भी नहीं होती है और जो है वो बहुत कम यानी रेन होती है वहाँ पर हाइट और एल्टीट्यूड द अर्थ इस सराउंडड बाई द एटमोसफियर हमारी अर्थ जो है उसके इर्द गिर्द फिज़ा है हवा है एटमासफियर है हाई अफ द अर्थ सरफेस इज द एटमोसफियर इज़ कोइट कोल्ड हमारी जो अर्थ की सरफेस है उसकी जो एटमासफियर है उसका कोल्ड है बहुत ज़्यादा दिस इज़ वाइट इज़ कोल्डर इन द माउंटेन्स दैन नियर टू द कोस्ट इसी वजह से बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है माउंटेन के करीबी इलाका जो कोस्ट होते हैं कोस्ट के करीबी इलाके जो होते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं दैन नार्दर्न माउंटेन्स पार्ट ऑफर कंट्री इज़ कोल्ड थ्रो आउट द ईयर जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स हैं वो हमेशा जो ये है थ्रू आउट ठंडे रहते हैं पूरा साल ये और ये फॉरेस्ट है फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान स्नो इन गिलगित बल्तिस्तान नेक्स्ट आते हैं क्लोजनेस टू द सी प्लेसिज क्लोज टू द सी यूजली हैव कोल ब्रीजेस फ्लोइंग फ्राम द सी टूवर्ड्स द लैंड जो जगहें समंदर के करीब है वहाँ पर कोल ब्रिज चलती है ठंडी हवा चलती है क्योंकि वो समंदर के करीब होती हैं समुद्र से आने वाली हवा जो होती है वो ठंडी होती है दिस हेल्प्स टू कीप द टेम्परेचर डाउन इन द हॉट समर मंथ्स और ये हेल्प करती है ताकि जो गर्मियों के महीने होते हैं गर्मियों हो के मौसम में टेम्परेचर नॉर्मल होता है हॉट हो, हो, ज़्यादा नहीं होता कम कर देता है हॉटनेस को कम कर देते कराची हैज़ अ टेम्परेचर टेम्परेट क्लाइमेट कराची का टेम्परेट होता क्लाइमेट ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है सिंस इट इज़ नीदर वेरी हॉट और वेरी uh, कोल्ड इसी तरह से क्योंकि uh, से वहाँ पे ना सर्दी हो ना गर्मी होती ज़्यादा शेल्टर्ड एरिया सम प्लेसिस आर शेल्टर्ड फ्राम विंड एंड द रेन कुछ इलाके ऐसे हैं जो बचे हुए महफूज हैं विंड से और रेन से फॉर एग्जाम्पल आ रेंज ऑफ हिल्स कैन कनेक्ट एज आ बेरियर जैसे कि जो हिली एरिया होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ होते हैं पहाड़ के सारे इलाके होते हैं वो बेरियर का काम करता है वन साइड में गेट लॉस्ट ऑफ़ लॉर्ड्स ऑफ रेन एक साइड पे ऐसा होता है कि बहुत सारी रेन होती है वहाँ बट द अदर साइड गेट्स वेरी लिटल लेकिन जो दूसरी साइड होती है वहाँ पे बहुत थोड़ी होती है दिस इफेक्ट्स ऑफ दिस इफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एज इन केस ऑफ चित्रिलगित वेर इन देयर आर इन रेन शॉवर और शेल्टर्ड एरियाज जो चित्र गिलगित हैं यहाँ पर कुछ जगहों पर रेन शॉवर होता है रेन शेड होता है यहाँ और कुछ जो ज़िवले 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 वो है वो शेल्टर्ड एरियाज होते हैं पेज की कर ली आप सबसे अंडरलाइन भी करते जाएंगे और, और से जो हाईलाइटर से मैंने किया हुआ है ये आपको फिरिंदी ब्लैंक्स में आ सकते हैं ये उसके आप, आपको आंसर भी यानी मैं यहीं पर बताती जा रही हूँ पेस ट्वेंटी पेज ट्वेंटी वन पर आ जाए द मानसून द मानसून इज अ सीजनल वेंड दैट ब्लोज फ्रॉम जून टू तो सेप्टेम्बर इन द सब कॉन्टीनेंटल अक्रॉस साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया सीजनल विंड है ये मानसून की जो कि जून से सेप्टेम्बर तक होती है बरे सगिर में एंड अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया में इट ब्रिंग्स रेन ये बारिशें लेकर आता है मौसम वैन इट ब्लोज अक्रॉस फ्राम द साउथ वेस्ट ओवर द इंडियन ओशन जब ये इंडियन ओशन के ऊपर से साउथ वेस्ट की तरफ जो हवाएं चलती हैं वो बारिश लेकर आती है अपने साथ एंड द बे ऑफ बंगाल और बंगाल का जो यानी है बे है वहाँ पर डायग्राम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ द मानसून विंडोज कॉज रेन एक ये uh, यहाँ पे दिया हुआ है ये पता चल रहा है यहाँ से ये हवाएं इधर से आ रही हैं समंदर की तरफ से सी की तरफ से ही भरी आ रही हैं हवाएं तो फिर ये मानसून हवाएं ये जो है वो मानसून हवाएं सीजनल विंड है और ये बारिश लेकर आती है इन पाकिस्तान द मानसून एरियाज इन द समर रेन क्लाउड्स ब्लो टूवर्स द वेस्ट कोस्ट एंड द सेंट्रल प्लेन ऑफ इंडिया बाई द टाइम द मानसून विंड रीच पाकिस्तान देर इज लिटल रेन लेफ्ट। मानसून रेन्स इन पाकिस्तान फॉल बिटवीन द मंथ ऑफ जुलाई एंड सेप्टेम्बर अभी जो है वो जुलाई पाकिस्तान में जो है वो जुलाई से सेप्टेम्बर तक का मन जो मानसून uh, बारिशों के लिए होता है विंटर रेनफॉल इज़ मेनली इन द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ द कंट्री ब्राउट विंड्स ब्लोइंग ओवर ईरान एंड अफगानिस्तान बाय द टाइम दे रीच पाकिस्तान इज़ लिटल रेन लेफ्ट जब यहाँ तक पहुँचते तो ये बहुत कम यानी रेन रह जाती है नेक्स्ट पेज अपन करें ट्वेंटी मेजर क्लाइमेटिकोन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द ट क्लाइमेटिक जोन विच इज़ नीदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड इट हैज़ फोर क्लाइमेटिक रीजन्स एस उन्होंने मैपो पिक्चर नाइन जो पिक्चर पेज नाइनटीन है वहाँ पर जो हम मैप देख, देख चुके हैं जहाँ ज्यादा गर्मी है जहाँ ज़्यादा सर्दी है ये उस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने क्लाइमेटिक जोन दिए हुए हैं क्लाइमेटिक रीजनस दिए हुए हैं यानी जो क्लाइमेट के लिहाज से इलाके हैं वो दिए हुए हैं यानी यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स आ जाते हैं वे, नॉर्थ वेस्ट और वे, वे वेस्टर्न और वेस्टर्न हाइलैंड्स आ जाते हैं और यहाँ पर बहुत कम जो है वो रेनफॉल होती है उसके बाद आ गया आरड आरिड, आरिड मीन्स ड्राई ड्राई मीन्स होता है इसका और यहाँ पर ड्राई प्लेसेस आ जाती हैं जैसे बलूचिस्तान है साउथ ईस्टर्न है इसका डेजर्ट साउथ ईस्टर्न डेजर्ट है और ये वाले रीजन आ जाते हैं यहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है ये यहाँ पर पिक्चर्स भी दी हुई है। हैं उसके बाद सेमी सैमी आ गया है ये अपर इंडस प्लेन है लोअर इंडस प्लेन है एंड पुटोहार प्लेट्यू है और, और इस एरिया में जो है वो मानसून रेन होती हैं कोल विंटर होता है और समर हॉट समर होता है यानी बहुत गर्मी होती है सर्दियों में बहुत सर्दी होती है और मानसून रेन होती है उसके बाद आ गया कोस्टल एरिया द रीजन इंक्लूड्स कराची मकरान कोस्ट एंड इंडस डेल्टा ये सारी क्योंकि ये कोस्टल एरिया है यहाँ पर जो है समुंदर से आने वाली हवाएं सारा साल चलती रहती हैं जैसे यहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है और माइल्ड यानी होता है सीज़न यहाँ पर सर्दी ज़्यादा नहीं होती है बस नॉर्मल दरमिया होती है आप एस ट्वेंटी थ्री पर आ जाएँ